सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग ये फाइनल तक पहुंचे हैं, फाइनल खेल रहे हैं। फाइनल खेलना बड़े एजाज की बात है। द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम जिसने 3 फाइनल्स खेले हैं, सारे प्लेऑफ्स खेले हैं, और इस दफा इनका चौथा फाइनल खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और जीतें। 2016 से ये सफर शुरू है मेरा पेशावर जलमी के साथ, और पेशावर जलमी इज ऑलवेज बीन अ फैमिली टू मी। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से यहाँ पे, जिस तरीके से हमें कॉन्फिडेंस दिया जाता है, जिस तरीके से हम लोगों को लेके चला जाता है, मेरा ख्याल है दैट्स वाई आप जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे देखेंगे वो बड़े अच्छा परफॉर्म करते हैं, और दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दिस फ्रेंचाइज स्पेशली। तो बस दुआ यही है कि हम कोशिश करें कि अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। 2 मैचेस हार गए, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे मोमेंटम जो है वो अपना लेके चलते हैं। और मेरा ख्याल है दिस वॉज द बेस्ट टाइम जिधर हमने मोमेंटम गेन किया है, कराची को भी हरा के, इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी हरा के। सो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें। और जहाँ तक आपने जरदारी की बात की, मेरा ख्याल है हैट्स ऑफ टू हिम द वे ही हैज लेड द टीम, जिस तरीके से वो फ्रंट से ही इज लीडिंग परफॉर्म कर रहा है, वो देख के बहुत मजा आ रहा है, और उसके लिए दुआ है कि जिस तरीके से वो खेलता रहे, इंशाल्लाह कल के फाइनल में भी वो वैसा ही खेले। All the very best for the big match, man. थैंक यू। सवालात शुरू करते हैं जी. मुई शाह साहब, खालिद, एच खान भाई, और उसके बाद फिर बदियोजमा. एंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, काइंडली सवालात को फाइनल पेशावर जलमी और पीएसएल से महदूद रखिएगा. जी मुई शाह साहब, खालिद साहब, और फिर बदियोजमा. थैंक यू. जी अस्सलाम वालेकुम जी बाब राज. अच्छा, एक तो आपसे ये पूछना था कि जाजाई की बैटिंग तो है एक तरफ है, आपकी माशाल्लाह इंस्पिरेशनल लीडरशिप है वो भी एक तरफ है, और किसने इंस्पायर किया इतनी अच्छी टीम बार, कितना अच्छा परफॉर्मेंस. हम ऊपर नीचे देखते कि अभी रिसेंटली आपने कराची को हराया, कल आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया, इतना एक कंबाइंड टीम एफर्ट जो है हमें शायद पहले मैचेस में नजर नहीं आई, पिछले 2 मैचेस में जो नजर आई, और आउट राइटली आपने एक तरह से जीते ये मैच, डिसाइसिवली जीते, तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं कि क्या फैक्टर्स थे जी. थैंक यू. देखिए क्रेडिट आपको देगा, टीम जो है वो बहुत ही अच्छा खेली है हमारी, और टीम एज अ टीम ही खेली है। टीम का मतलब होता है टीम टुगेदर ईच अचीव मोर। और 2 मैचेस हार गए हम लोग, सबसे अच्छी बात यह है कि थ्रू आउट हमारी जो पहली लेग से हम खेलते आ रहे हैं, हमने कभी भी किसी के ऊपर पिन पॉइंट नहीं किया कि हम इसकी गलती की वजह से हारे हैं, या इसने मैच हरवा दिया, या इसने मैच जितवा दिया। ये एक टीम है जिसमें सारे इंडिविजुअल्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्लेइंग 11 भी है और जो प्लेइंग 11 से बाहर भी है। और अच्छी चीज़ ये है कि जो मोराल है, जो मोमेंटम है, और हम लोग खुश होते हैं एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस से, हम लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, और एज अ टीम हमारी कोशिश ये है कि हम मैच जीतें बनिस्बत हम एक दूसरे में नुक्स निकालें। सो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी जीत है हमारी, और यही वजह है कि हम लोग थ्रू आउट बड़ा कंबाइंड रहे हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया। अगर कहीं पे बैटिंग लेट डाउन किया बैटिंग ने, तो बॉलिंग ने कोशिश की उसको सपोर्ट की जाए, जिधर बॉलिंग ने लेट डाउन किया उधर बैट्समैनों ने आके अपना करेक्टर शो किया। सो ये दिस शोज कि ये टीम कितनी अच्छी, और स्पेशली क्रेडिट देना पड़ेगा मैनेजमेंट को, देना पड़ेगा डैरन सैमी को, देना पड़ेगा मोहम्मद अकरम को, जिस तरीके से उन्होंने टीम को इकट्ठा किया, गैदर किया। बड़ा मुश्किल होता है कि आप पहली लेग खेल के दूसरी लेग में आओ, इधर इतनी ज़्यादा गर्मी हो, और फिर लड़कों को लेके चलना, और फिर डिफरेंट लड़कों का आना, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से मैन मैनेजमेंट की गई है प्लेयर्स की, मेरा ख्याल है उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। वहाब, अस्सलाम वालेकुम. खालिद है फ्रॉम डेली डॉन कराची. वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल आपसे ये है वहाब, के वैसे हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह आपकी टीम सही टाइम पे पीक कर रही है, ठीक है, आप मैच जीत रहे हैं और की मैच जीत रहे हैं, ये बड़ा वाइटल होता है खासतौर पर T20 लीग में. लेकिन हमने ये देखा कि आप लोग, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि दगाई का आना, जोनाथन वेल्स का आना, फ्रेश मतलब फ्रेश लेग्स, फ्रेश बॉडी, सारे कुछ मतलब फ्रेश है ना, बिल्कुल एक न्यू अप्रोच के साथ आए. आपकी आवाज चली गई है, मेरी आपकी कैन यू आवाज हियर मी, कैन यू हियर मी, जी अब मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। आ रही है जी जी वहां. मेरा आपकी सवाल ये था कि जिस तरह माशाल्लाह आप लोगों ने की मोमेंट्स जीते हैं और की की मैचेस जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज आपकी नजर में क्या ये नहीं है कि जिस तरह जजई आए और फिर अब कल हमने देखा जोनाथन वेल्स पहला मैच खेला और माशाल्लाह जबरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी, तो ये जो फ्रेश लेग्स आना, ये नए लड़के आने से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए हुआ है. और दूसरा ये कि
जो वहां प्रयास हम देख रहे थे दो दिन से डग आउट में बैठे हुए थोड़े नर्वस लग रहे थे, वो भी खैर नजर नहीं आ रहे थे, मुस्करा रहे हैं माशाल्लाह से। तो मतलब ये कि यू डू यू थिंक द एडवांटेज आपके पास है कि आपका चौथा फाइनल है, मुल्तान पहले से फाइनल खेल रहा है? जी सबसे पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि ऑब्वियसली एज ए कैप्टन मेरी ये जो अपॉइंटमेंट है वो उसमें ऑब्वियसली नर्वसनेस ज़रूर होती है। ऐसा नहीं है कि मैं नर्वस नहीं होता, और इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रेशर। मुझे आप ज़्यादातर हंसते खेलते मुस्कुराते खेलते देखते होंगे, लेकिन इस वक्त ज़रा बड़ा सीरियस रहना पड़ता है आपको कुछ सिचुएशंस के ऊपर, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है चाहे आप हारें चाहे आप जीतें। जहाँ तक रहा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की आप बात करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस आल से इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह की मदद और अल्लाह की रजा के सिवा ये चीज़ नहीं पॉसिबल थी कि हम फाइनल खेलते। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो टीम प्लानिंग थी हमारी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी अल से, कि जिस तरीके से हमने देखा हमारे फर्स्ट लेग में 2-3 लड़के मिस आउट हुए, हमने कोशिश की कि हम उनकी जगह उसी तरह के लड़कों को लेकर आए जो हमारे वो जो खाली जगह जिसको आप कहते हैं ना खाली जगह को पुर करना है वो पुर कर सके। फिर हमें यह भी पता था कि मिलर का 3-4 मैचों के बाद वो भी चले जाएंगे, फेबियन एलन भी चले जाएंगे, और फिर हमें उनकी जब वो जाते हैं तो फिर हमारा टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से प्लान की थी, और अच्छी चीज़ यह है कि हमने जब डिसीजन लिया उन लोगों को खिलाने का और भी, और एज अ कैप्टन मेरे लिए भी देखने को ये है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि हमने जिस टाइम पे जिस प्लेयर को भी लेकर आए हैं खिलाया, जो भी डिसीजंस लिए हम लोगों ने वो हमारे लिए पे ऑफ किए। उसकी वजह यह क्योंकि हम जब भी खेलते हैं जब भी टीम बनाते हैं जब भी टीम, तो हम पहले टीम का सोचते हैं और बड़ी नेक नियति से अपनी जो है वो सिलेक्शन करते हैं कि हमें किसको किस टाइम पे कैसे खिलाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जोनाथन वेल्स ने भी कल खेला और जज़ई खेल रहा है, सो उनके लिए दुआ है कि वो इसी तरह कंटिन्यू करते रहें इसको। और ये दूसरी बात जो मैं पूछ रहा था कि आप लोग चौथा फाइनल खेल रहे हैं तो ये आपके लिए एडवांटेज नहीं कि आपको तजुर्बा है फाइनल खेलने का? बिल्कुल, हम लोग ये हमारा चौथा फाइनल है और हम लोगों को ने फाइनल खेले हुए हैं और हमें पता है कि क्या प्रेशर होता है फाइनल का। मुल्तान अनडाउटेडली आउटस्टैंडिंग टीम, जिस तरीके से उन्होंने इस लेग में आके कम बैक किया और जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, वेरी डेंजरस टीम टू से, बट फाइनल्स का प्रेशर डिफरेंट होगा, नर्व्स डिफरेंट होंगी, और मेरा ख्याल है फाइनल इज ऑल अबाउट कि कौन ज्यादा एंजॉय करता है, कौन अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखता है, और वो फिर अच्छी क्रिकेट खेलने वाला जीत जाएगा। I believe we have lost Ghaffar, उनका कनेक्शन डाउन है। मुझे I'm sorry, याद नहीं था कि उन्होंने थर्ड किसको बताया, बट बदी आप कर लें सवाल, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ और फैजान। वाबाई सबसे पहले मुबारक आप फाइनल में पहुंचे, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी जबरदस्त रही है, जिस तरीके से आपने बॉलिंग की और फिर जब जरूरत थी एक मैच में कराची अपना इस्लामाबाद का वहाँ आपने बैटिंग भी की, वो मैच 13-14 रन से जरूर आप हारे, लेकिन आपकी टीम जो है एकदम जो है एक पेज पर नजर आई, सब खिलाड़ी जो है वो जेल नजर आए, अपनी परफॉर्मेंस को देखकर क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि वाब रियाज अब मेहनत पर यकीन रख रहा है, बॉल पर यकीन रख रहा है, तो ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि अब आगे चलकर हमें कौमी टीम में भी वाब रियाज नजर आएगा? देखे जहाँ तक रहेगी मेरी बात, मेरी परफॉर्मेंसेस की बात देखें, मैं बिल्कुल आई हैव टू प्रूव अ पॉइंट, वेयर एज के इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद भी आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप अच्छे हैं। आई थिंक अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे अपनी मेहनत पे बहुत यकीन है, मुझे अल्लाह पे बहुत यकीन है, और मैंने जब जब मेहनत की है मुझे अल्लाह ताला ने उसका फल ज़रूर दिया, इसमें मेरा बिलीव भी है और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ। मेरी परफॉर्मेंसेज आप सबके सामने हैं, सेलेक्ट करने का सिलेक्शन का जो भी क्राइटेरिया है ये सेलेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो मुझे किधर देखना चाहते हैं, वो बेशक मुझे रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते। एज अ प्लेयर मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलूं, और जो मैं बार बार परफॉर्मेंसेज करता हूं उसकी वजह ये है कि अभी भी मेरा दिल जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए ज़्यादा धड़कता है बनिस्बत के मैं किसी और क्रिकेट को तरजीह दूँ। सो सारी बात आप परफॉर्म इसलिए करते हैं कि आप पाकिस्तान टीम में खेलें, आई वेट एंड सी कि क्या कहा जाता है, क्या बात की जाती है मेरे से, मुझे कुछ बताया जाता है या नहीं बताया जाता। सो ये तो सिलेक्टर्स के ऊपर है, और जहाँ तक रहेगी टीम की जेल, मैंने कहा कि बड़ी अच्छी है, हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारा मोटिव एक है कि हम लोग जीते ये टूर्नामेंट, और उसी के लिए हम लोगों ने मेहनत की है पहले 3 महीने, आप पहले लेग को भी काउंट कर लें, और जो हमारे पास 5-6 दिन यहाँ पे थे, नई टीम का आना, जेल करना, आपस में खेलना, एक दूसरे को उसके रोल्स बताना, उनको डिफाइन करना कि हमें किससे क्या चाहिए, सो उन्होंने चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा आसान कर दी।
आप कैसे फैजान देख रहे हो किशान? चलिए यूसुफ भाई आप कर लें, फिर फैजान कर लेगा। यूसुफ करें आप। वो आप कैसे देख रहे हो कि शाहनवाज दानी और सोहेब मकसूद इस वक्त मुल्तान सुल्तान की एक रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, वो आपकी तरफ से हैदर अली अब तक इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या उनको फाइनल में उतारने का आप लोगों ने सोचा है या इसी कॉम्बिनेशन के साथ ही आप मैदान में जाएंगे? देखिए कॉम्बिनेशन तो हम लोग डिसाइड करेंगे फाइनल में कि हमें किस तरीके से जाना। जहाँ तक रहेगी बात हैदर अली की, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि हैदर अली अभी भी इज अ मैच विनर, सिर्फ उसकी फॉर्म जो है वो अच्छी नहीं है और हम उसके ऊपर कोई एडिशनल प्रेशर डालना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते क्योंकि एट टाइम्स एज अ प्लेयर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर है कि आपको परफॉर्म भी करना होता है, और जब आपके ऊपर बैड पैच होता है तो उस वक्त प्लेयर जो है वो अपने आप से भी लड़ रहा होता है और मतलब जो अच्छा करने भी वो जाए वो उसे नहीं हो पा रहा। मेरे लिए हैदर अभी भी मैच विनर है और ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा हम जब भी टीम बनाते हैं उसको खिलाने की ना सोचते हों। ही इज़ ऑलवेज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन और ही विल ऑलवेज बी देयर, और मुझे हैदर पे बहुत यकीन है कि जब भी वो आएगा, जब भी खेलेगा और इंशाल्लाह अगर वो फाइनल भी खेलेगा तो ही विल बी अ मैच विनर एंड ही विल मेक अ डिफरेंस। शाहनवाज दानी और सोहेब मकसूद के बारे में, बड़ा अच्छा उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम, ही इज एंजॉयिंग द गेम, और सोहेब मकसूद को भी देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही केम बैक और उसने अपने आप को अब कंसिस्टेंटली रन करना स्कोर किया है। दोनों बड़े अच्छे हैं, फाइनल मैच है, दोनों पे प्रेशर होगा, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, ये देखना है कि वो अपने आप को कैसे लेके चलते हैं फाइनल में। अस्सलाम वालेकुम वहाब, फैजान लखानी बात कर रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम फैजान भाई, ठीक ठाक है। अच्छा वहाब, शाहनवाज और सोहेब मकसूद की बात की, बट अगेन दोनों भरपूर फॉर्म में है, शाहनवाज दानी भी विकेट ले रहा है, सोहेब मकसूद रन कर रहा है, फिर रिजवान भी रन कर रहा है, तो आप यकीनी तौर पर एक टफ चैलेंज का सामना होगा। फिर शाहनवाज दानी की बात भी आगे लेके, शाहनवाज दानी की 20 विकेट हैं, आपकी 18 विकेट हैं, तो कल आपकी ये कोशिश होगी कि शाहनवाज दानी की फोन की लाइन डिस्टर्ब करें आप, तो साथ साथ इरफान की भी अपडेट दे दीजिएगा। ठीक है जी, इरफान की अपडेट से शुरू करते हैं। इरफान थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं, उनको कल काफी ज्यादा क्रैम्पिंग हो रही थी, उसके नी में भी थोड़ा सा पेन था जिसकी वजह से उसे कल जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, और आई होप कि इंशाल्लाह वो कल के लिए हमारे लिए दस्तयाब हो। और जहाँ तक रहेगी बात शाहनवाज धानी और मेरी विकटों की बात, तो वो कहते हैं कि मुकद्दर का ये खेल है कि जब से मैं PSL खेलना शुरू की है मैंने हमेशा सेकंड पे ही फिनिश किया है, और इसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी कि अभी तक मैं बेस्ट बॉलर नहीं हो सका। एज एन इंडिविजुअल मैं बिल्कुल वांट टू टेक दिस चैलेंज कि मैं कल अल्लाह करे आउट करूं और बेस्ट बॉलर बनूं, लेकिन आई थिंक स्टिल परफॉर्म करना अपनी टीम के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अल्लाह का शुक्र है हो रहा है। सो ये चीज़ें जहाँ तक रहेगी बात शोएब मकसूद और शाहनवाज दानी की, देखें प्रेशर गेम है, नर्व्स कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से आते हैं, जितना प्रेशर हमारे पे होगा उतना ही प्रेशर बल्कि उनके ऊपर ज़्यादा होगा। सो लेट्स सी कि कल कौन नर्व्स को जो ज़्यादा बेहतर तरीके से डील करता है। मोहम्मद अब्दुल्ला, इजाज वसीम बाकरी एंड देन कादिर ख्वाजा। अब्दुल्ला भाई कैन यू हियर मी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इफ यू कैन हियर मी। या आई कैन हियर यू वहाब, अस्सलाम वालेकुम वहाब, वहाब भाई मेरा आपसे सवाल ये है। इजाज आप रुक जाएं, अब्दुल्ला कर रहे हैं, प्लीज इजाज एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वहाब, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं। कैन यू हियर मी वहाब? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ओके, माय क्वेश्चन इज दैट नाउ एज यू हैव रीच्ड द फाइनल, सो हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑफ विनिंग द फाइनल? आप कितने कॉन्फिडेंट हैं लाइक कि आप ये टाइटल इंशाल्लाह लेकर जाएंगे? What is the impression about that? You can see the smile on my face. There is no pressure on me or the team. पिछले 15 दिन से हम लोगों ने इसी चीज़ के लिए मेहनत की, बल्कि हल से पिछले 3 महीने से हम इसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं कि हम लोग फाइनल आएँ और फाइनल खेलें। जितना प्रेशर लेना था वो हम लोगों ने पिछले मैचेस में ले लिया है। अब इट्स टाइम टू गो आउट, एक्सप्रेस आर सेल्फ, प्ले गुड क्रिकेट, इन्जॉय करें। हार जीत खेल का हिस्सा है, किसी एक टीम को तो हारना है लेकिन अपनी हार को जीत में कैसे बदलना है वो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कैसे आके ग्राउंड में हमारा जो एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स द गेम, जो हमारी अप्रोच होगी,
वो हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक देर इज़ नो प्रेशर. आप अपनी क्रिकेट खेलें, उसको इंजॉय करें, जितना इंजॉय करेंगे इस फाइनल को उतना बेहतर है हमारे लिए. जी जाज़, बाब मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने देखा है कि पीएसएल के आखिरी तीन मैचेस में दो नॉकआउट मैचेस और लास्ट मैच जो आखिरी राउंड था, आप जलमी की तरफ से कोई एक नो बॉल नहीं फेंका गया है, तो आप समझते हैं कि जलमी जो है वो उसको उसका क्रेडिट इस वक्त आपके आप, मैंने कहा आप चाह रहे हैं हम नो बॉल करें? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा. मैं चाह रहा हूँ आप चैंपियन बन के लाहौर आए. तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आप ये जो डिसिप्लिन बॉलिंग हो रही है, ये क्रेडिट है जलमी का? देखिए जारी बात है, आपको मैचेस जीतने के लिए बड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है. हर शोबे में डिसिप्लिन आपको की ज़रूरत होती है, आपको चाहे वो बॉलिंग में है, चाहे वो बैटिंग में है, चाहे वो फील्डिंग में है. लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों में लैग ज़रूर कर रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ हम गलत ज़रूर करते हैं. और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब टाइम नहीं है, और स्पेशली आखिरी एक मौका है कि इसमें अपनी कम गलतियों को मिनिमाइज़ किया जाए, जितनी भी हमारी गलतियाँ, बल्कि इम्प्रूवमेंट की जाए, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एज मिले फाइनल में. जी अस्सलाम वालेकुम वहाब, मेरा सवाल ये है कि 2019 के जब वर्ल्ड कप था उसमें आपके सिलेक्शन में आपका नाम आया, तो आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा जी मुझे ख्वाब आया था कि मेरा नाम आ रहा है. तो कल भी कोई ख्वाब आया फाइनल जीतने का ही आ जाएगा रात को? अभी तो दो दिन से रात में सोया नहीं जा रहा नींद पूरी नहीं हो रही. सुबह 5-6 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे आँख खुल जाती है. एक्साइटमेंट है, अल्लाह करे जी ख्वाब को हकीकत में बदला जाए, तो इससे तो अच्छी और कोई बात ही नहीं. और इंशाल्लाह ये भी एक ख्वाब है, एज अ कैप्टन आप लीड कर रहे हो, फाइनल खेल रहे हो, आपकी टीम इतना अच्छा कर रही हो, और फिर आप कोशिश यही करते हैं कि आप जो फिनिशिंग लाइन है वो अच्छे तरीके से क्रॉस करें. सो दुआ है अल्लाह ताला से और कि वो हम पे अपना खास करम करे. बाज़िफ जब्बार, आशिर एंड देन वी विल हैव मुज़म्मिल. जी अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट लक फॉर टुमारो. वहाब आपकी टीम की अगर बात की जाए तो आपने बहुत ज्यादा मैच विनर्स लिए हैं अपनी टीम में, एंड मोस्टली टीम्स अवॉइड करती हैं क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं होती या कभी इनकंसिस्टेंसी की बात आती है. बट आपने रदरफोर्ड को लिया, जजाई लिया, रोवमैन पॉवेल को आपने अपनी टीम का हिस्सा बनाया, बहुत सारे स्लॉगर्स आपकी टीम के अंदर हैं, तो इसके पीछे क्या थिंकिंग थी और सैमी का कितना इनपुट था इसमें? देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि आप उनको स्लॉगर्स नहीं कह सकते. स्लॉगर्स इसलिए नहीं कह सकते कि अगर आप रदरफोर्ड की बैटिंग देख लें, पावल का एक मैच जिसमें क्वेटा के खिलाफ उसने बैटिंग की है, या जजई जिस तरीके से खेलते हैं, हमारी बैटिंग है एग्रेसिव अप्रोच की. हमने प्लेयर लिए हैं जो एक एक्सप्रेसिव हैं, जो हार्ड हिटर्स हैं, जो आराम से बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं, बाउंड्री लाइन को आराम से क्रॉस कर सकते हैं. जब हमने टीम बनाना शुरू की थी पीएसएल शुरू होने से पहले, तो उसके ऊपर हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग पिछले साल हमने किस चीज़ में लैक किया, क्या चीज़ थी जो हमारी स्ट्रेंथ थी और क्या चीज़ थी जो हमारी पिछले साल वीकनेस रही. सो अगर हमने उसको एनालाइज किया तो हमारे पास शायद अफरीदी जैसे, कैरन पोलार्ड जैसे, डेरन सैमी हिमसेल्फ जिस तरीके के हमारे पास ये फिनिशर्स थे जो कि आके मैच चेंज कर सकते हैं, हम लोग वो मिस कर रहे थे लास्ट सीजन में. और उसी को देखते हुए हम लोगों ने जब बनाया, जब हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स आया, तो हम लोगों ने ये सॉर्ट आउट किया कि हम लोगों को किस तरीके से जाना, हमारा 5, 6 और 7 नंबर पर कौन से प्लेयर्स होंगे जो हमारे लिए शायद अफरीदी, पोलार्ड और सैमी जो करते रहे हैं वो अपना जो है वो कर सके. ओपनर्स में हमारे पास कामरान भाई थे और कामी भाई आज दिन तक बड़ा अच्छा परफॉर्म करें. सो इट वाज टोटली अ टीम प्लान के जब हम बैठे थे हमने क्या सोचा था, फिर जब हमारी फर्स्ट लेग में लड़के गए तो फिर हमें क्या सोचना पड़ा कि इस लेग में हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. सो ये कोई फ्लूक नहीं था, ये टोटल प्लानिंग थी, और इस प्लानिंग को करते हुए हमें काफ़ी टाइम लगा था, और उसको प्लान करके अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने चीजों को प्लान किया था और उसी तरीके से अल्लाह ताला हमें उन चीजों का रिजल्ट दे. जी आशिर और फिर मुजम्मिल. अस्सलाम वालेकुम भाई, आशिर वाहिदी फ्रॉम क्रिकेट होलिक. मेरा क्वेश्चन ये है, शोएब मलिक और इंजमाम उलक का किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शोएब मलिक के बारे में जैसे कहा जाता है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जब टीम बहुत डाउन थी पाकिस्तान की, उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें ऐसी एज अ सीनियर बताई थी जो कि बहुत हेल्पफुल रही थी, कि पेशावर जलमी के अंदर किस तरह का रोल अदा कर रहे हैं शोएब मलिक एज अ सीनियर और एज अ मोटिवेटर आप कह सकते हैं. उसके अलावा इंजमाम उलक ने कितना बैट्समैन के ऊपर काम किया है इस पेशावर जलमी के टूर्नामेंट के थ्रू? देखिए सबसे पहले इंजी भाई की बात कर लेते हैं. इंजी भाई इज अ ग्रेट लेजेंड, ग्रेट टू हैव हिम.
not only for the batsman but for the team as well. अगर आप उन्हें, मैंने उनके साथ पहला मेरा ये असाइनमेंट है, और जिस तरीके से वो नेट्स पे जाते हैं, जिस तरीके से वो लड़कों से बात करते हैं, जिस तरीके से उन्हें क्रिकेट के बारे में, बैटिंग के बारे में बताते हैं, सिर्फ उनको नहीं मुझे भी बताते हैं चीज़ें, बॉलिंग यूनिट को भी, हर एक चीज़ को, उनकी प्रेजेंस का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हम लोगों के ऊपर. बड़ा ईजी था उनके लिए कम्युनिकेट करना लड़कों के साथ, और लड़के उनको सुनते हैं, और लड़कों ने उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया. और ही गुड टू हैव हिम ऑन द साइड बिकॉज a lot of positive vibes comes out of Inzi bhai. To ek to ye cheez ho gayi. Jahan tak reh gayi Shoaib Malik ki baat, mera khayal hai ki Shoaib Malik is not only a player, Shoaib Malik is a character as well. Aur wo ek aisa character hai ki I'll say ki he might be the most elder in our team as compared to age, but to be very honest, age doesn't matter at all. Jis tarike se jo output, jis tarah ki field mein jaan उनकी, जिस तरीके से वो जान मारता है, मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई भी प्लेयर उस तरीके से मोटिवेटेड होता है या वो उस तरीके से जान मारता है. ही नोज अ लॉट अबाउट क्रिकेट, ही टेल्स अ लॉट, ही स्पीक्स अ लॉट, ही ऑलवेज मोटिवेट द बॉयज. और जिस तरीके से अगर आप फील्ड में देखेंगे, उनकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा होता है फील्ड में, क्योंकि मेरे लिए चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं. सो शोएब मलिक इज अ कम्प्लीट पैकेज टू हैव, और आई थिंक ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स 40-20 क्रिकेट, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन जैसा प्लेयर मिडल ऑर्डर में होना, एक्सपीरियंस प्लेयर होना, इट मेक अ मैसिव डिफरेंस टू पेशावर. सर जी, मुदम्मिल. अच्छा वहाब, आपके जो लेग स्पिनर थे अबरार अहमद, उन्होंने कराची के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन दूसरे मैच में इस्लामाबाद के खिलाफ उन्होंने काफी रन खाए, तो ऐसा लगा कि पेशावर जर्मी ने उन इमीडिएट कॉन्फिडेंस लूज कर दिया उनमें से. अब कल फाइनल है मुल्तान सुल्तान की, अगर बात की जाए तो वहाँ इमरान ताहिर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो क्या हम कल अबरार को देखेंगे पेशावर जर्मी में? देखिए, इब्रार नो डाउट बड़ा अच्छा स्पिनर है, और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. आप एक मैच से किसी का बुरा चले जाना, T20 क्रिकेट है, अगर आप 10 मैच खेलते हैं तो आपके कम से कम 6-7 मैच जो हैं वो नॉर्मल ऐसे ही जाते हैं, किसी में आपको मार पड़ जाती है, किसी में आप सो होते हैं. लेकिन इब्रार को बाहर बैठाने का मकसद ये नहीं था कि उसको मैच में मार पड़ गई. हम लोग अपना टीम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि हमें किस टीम के खिलाफ किस कॉम्बिनेशन के लिए जाना पड़ता है, और ज़ाहिर बात है इब्रार जो वो इमर्जिंग में कैटेगरी में है, तो उसमें हमारे पास मोहम्मद इमरान भी है और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं इब्रार भी है. और अगर आप देखें लास्ट दो मैचेस में जिस तरह तरीके से इमरान ने बॉलिंग किया है, सो ही हैड मेड द डिफरेंस. सो इट्स ऑल डिपेंड कि हमारा टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा. अगर हमें स्पिनर की ज़रूरत है तो हमें इब्रार को कहाँ पर खिलाना पड़ेगा और किस तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, ये हम इंशाल्लाह प्लान करके करेंगे सारा. जी, लास्ट थ्री क्वेश्चन हैं जनाब, और ये हम नुमान से ले रहे हैं, लालू खान हैं और फिर अबू बकर. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. वहाब, जिस तरह आपने कहा कि आप टीम्स को देख के अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो कल जो मैच था आपका अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, दैट वाज द फर्स्ट गेम इन द करंट लेग जिसमें जो है कोई भी स्पिनर टीम में स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था, तो क्या समझते हैं आप, हमने अबू धाबी लेग में देखा है कि आप कितना रिलायंट नहीं होते अपने स्पिनर्स पे, जबकि दूसरी टीम्स पांच चार स्पिनर्स भी खिलाते हुए हमने क्वेटा को देखा है, तो क्या लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपने स्पिनर्स में कम है? बिकॉज शुरू के मैचेस में आपने फैबियन एलन को एज अ स्पिनर खिलाया, उसके बाद कुछ मैचेस आपने जो है वो स्पिनर के बगैर खेले, तो क्या आपको अपने इतना रिलाय नहीं करना चाह रहे अपने स्पिनर्स पे, या आप वो जो स्ट्रेटेजी पेस वाली होती है उस पर जाना चाह रहे? देखिए, हम लोगों ने मोस्टली जितने भी 6 साल खेले हैं, हम लोगों ने उसमें फास्ट बॉलर्स पे बहुत ज्यादा रिलाय किया है. दुबई में जिस तरह हम आए और हमने एक्सपेक्ट किया कि बहुत ज़्यादा टर्निंग विकेट्स होंगे या टर्निंग ट्रैक्स होंगे, हमने हार्डली कोई टर्निंग ट्रैक देखा शायद एक आधे मैच में. जहाँ तक रहा कि बात स्पिनर्स की, आप कह रहे हैं हमने स्पिनर्स नहीं खिलाया, तो देखिए फेबियन एलन को खिलाया, फेबियन के बाद हमने इब्रार को खिलाया, वकार आया और खालिद उस्मान कराची के खिलाफ हमारा पहला प्ले ऑफ खेले. ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप टीम्स बनाएं तो आप ये देखें कि दूसरी टीमें किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. या तो यहाँ पे ज़्यादा स्पिन हो रहा हो, स्पिनर्स को फ़ायदा हो रहा हो, तो फिर तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है स्पिनर्स के साथ जाएंगे. लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद की साइड है, मोनरो वगैरह जितने भी प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद के, दे फैंसी स्पिनर्स अ लॉट. सो यू नीड टू, जितनी उनकी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी, यू नीड टू हैव सम बॉलर्स जो कि विकेट टेकिंग ऑप्शन हो, जो अटैकिंग बॉलर्स हों, ताकि अगर हम विकेट्स लेंगे तो हम लोग मैच में रहते, अगर विकेट्स नहीं लेते तो मोस्ट प्रोबेबली कल हसन ने एक अच्छा कैमियो जरूर खेला, लेकिन हो सकता है हमें स्कोर इससे ज्यादा टारगेट चेस करना हो.
सो यू प्लान अकॉर्डिंग टू द टीम्स के दूसरी टीम में किस चीज में कंफर्टेबल है, उनके लिए क्या सूटेड है और आप लोगों का क्या कॉम्बिनेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप वालेकुम अस्सलाम जी शामिल, आपको आपको बहुत बहुत मुबारक पहले तो फाइनल पहुंचने में। वहाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टार्ट में जिस तरह से पीएसएल स्टार्ट थी तो आप लोगों की मैनेजमेंट में भी वहाँ पर तब्दीली थी, आशिम भाई थे और अब तब्दीली भी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी प्लेयर्स की तब्दीली हुई, क्या आप पहले से बेहतर स्क्वाड आपने इस बार बनाई है, स्क्वाड बेहतर है क्योंकि आप माशाल्लाह बेहतर फाइनल तक भी आ गए, तो क्या वाली जो स्टार्ट में आप बेहतर रहे इस बार? देखिए मेरे ख्याल से कि जो पहली लेग हम खेल रहे थे अगर वो कंटिन्यू रहती तो हमारा वो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब हम इस लेग में आए जो हमारे पास ऑप्शन थी तो इसमें हमारे पास उससे भी अच्छा था कॉम्बिनेशन। सो बेसिकली आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि सीरीज जो होनी है पीएसएल जो होनी है वो पाकिस्तान में होनी है या दुबई में होनी है। सो अगर आप उन दोनों चीज़ों को डिफरेंस अगर आप मेरे से पूछ रहे तो मेरा ख्याल है कि दोनों जगहों पर जो भी हमारा स्क्वाड था वो उन जगहों के लिए बेहतरीन स्क्वाड था, और अगर हमारे पास वो लड़के होते अभी इस स्क्वाड में तो वी कुड हैव मेड द डिफरेंस, स्टिल वी कुड हैव मेड द डिफरेंस। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड की वजह से हमें ऊपर नीचे होना पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि हम लोगों की सोच ये थी कि जो कॉम्बिनेशन हम पिछली लेग में खिला रहे थे हम उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं इस लेग में, सो वी पिक द प्लेयर्स जो हमें पता था कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मंद हो सकते हैं या हमें फ़ायदा दे सकते हैं, हमने उन प्लेयर्स पर ज़्यादा नज़र रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह जितनों को भी खिलाया उन सब ने परफॉर्म किया। वाह भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली पेशावर जलमी की बैटिंग लाइन में तो हम देख रहे हैं कि जाजाई हैं, शुएब मलिक हैं, इवन नीचे रोवन पॉवल और उधर फोर्डा, ये लोग लीड कर रहे हैं। जब बॉलिंग की बात होती है तो आप एज अ कैप्टन भी हैं और पूरी बॉलिंग को भी आप लीड कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और सुहेब मकसूद, जो कि बहुत ही जबरदस्त एक परफॉर्मेंस देने के बाद जो अपनी टीम को फाइनल में लेकर आए हैं और यही इनके की प्लेयर हैं, अगर मुल्तान को टॉप से पकड़ लिया जाए तो आप उनको काफी हद तक मैच पे काबू पा सकते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी ज़ेहन में रख के जा रहे हैं? देखिए हमारे लिए वी हैव टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने नहीं जाना, हम लोगों को पता है कि हमें उन लोगों के एरिया में बॉलिंग करनी है, हम लोगों को सिर्फ अपने प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने हैं। ऑन द डे कोई भी अच्छा खेल सकता है, ऑन द डे कोई भी जल्दी आउट हो सकता है, सो इट विल डिपेंड के कौन कितना कंसिस्टेंट रहता है अपने प्लान के साथ। सो ईजी रखेंगे चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने नहीं जाते हम लोग, हम लोगों को पता है उनके वीक एरियाज क्या, उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या, कोशिश करेंगे कि जिधर वो थोड़ा सा फंसते हैं हम उन्हें वापस बॉलिंग ज्यादा करें। ओके थैंक यू इमाद वहाब भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल, थैंक यू इमाद, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू वहाब, थैंक यू गफर।